औरत के जीवन में पति का क्या महत्व है। एक बार एक औरत अपने पति से नाराज होकर के मायके जा रही थी। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। वह पूछा कि बेटी, तुम क्यों इतना परेशान लग रही हो। औरत ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताना लगी। बुजुर्ग आदमी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उस औरत से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे घर का सबसे बड़ा नौकर कौन है। औरत ने बड़ी हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब। बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों को पूरा कौन करता है। औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है। औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है। औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है। औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, आपके परेशानी और दुख में कौन साथ देता है। औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, आपका हमेशा ख्याल कौन रखता है। औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक अपने माँ बाप को भी छोड़कर देश विदेश में जाकर नौकरी करने को कौन तैयार होता है। औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है। औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है। औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने बोला, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे तुमसे मांगे। औरत बोली, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग आदमी बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उनकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। आखिर पत्नी के लिए पति क्यों जरूरी होता है। मानो न मानो, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी देगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा, कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम तुम्हारा पति ही करता है। तुम्हें किसी बात की चिंता ना हो, इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी तुम्हारे हर समय का समस्या का समाधान करता है। इसलिए पति ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, इसलिए पति का हमेशा ख्याल रखो। बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर उस औरत को अपने पति के महत्व के बारे में समझ आ गया और वह औरत खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आई। और उस दिन से वह औरत अपने पति का बहुत ही सम्मान करने लगी। उम्मीद करते हैं यह कहानी
आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।